हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ की डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली हुई है। ये आपके पास सेशन 2023 टू 24 की बुक है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक कम्प्लीट कर लिए थे, तो सारे क्वेश्चन चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 42 से करने वाले हैं। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन ए एंड बी इज 3:4 and the ratio of their expenditure is 5:7. If their savings are 15,000 annually, find their annual incomes. कह रहे दो जने ए और बी, अगर उनकी इनकम की रेशियो 3:4 है और उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो 5:7 है और वो दोनों 15,000 साल का सेव कर रहे हैं, तो बताओ उनकी एनुअल इनकम, पूरे साल की इनकम होगी कितनी। तो आपको पता है कि इनकम का कुछ पार्ट आप सेव करते हो और कुछ पार्ट आप खर्च करते हो, जिसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, है ना। तो इनकम आपको रेशो में दे रखी है, एक्सपेंडिचर रेशो में दे रखा है, सेविंग टोटल में दे रखी है, तो कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो देखो करेंगे कैसे, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम एक्स और वाई के फॉर्म में इनको लेट कर लेते हैं पहले, ठीक है, तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे इजीली। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट देयर इनकम बी, रेशो आपको दे रखी थी 3:4 थी, है ना। तो इनकम को मैंने एक्स की फॉर्म में लेट किया है, तो 3x एंड 4x हो गई। ऐसी लेट देयर एक्सपेंडिचर भी, एक्सपेंडिचर 5:7 था, तो वो मैंने 5y एंड 7y ले लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगी तो मेरा सेविंग बचेगा, ये ए के लिए है। सेम बी के लिए अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगी तो मेरी सेविंग बचेगी, ठीक है ना यहाँ तक। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि इनके बेस तो सेम नहीं है, तो आपको बेस सेम करने पड़ेंगे, कॉफिशेंट्स जो है, सॉरी कॉफिशेंट सेम नहीं है। तो आप इसमें क्या करो, इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मैं एक्स के कोफिशिएंट सेम कर रही हूँ, बाय 3। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 12x, 5 4 20y, ठीक है, और 15 को 4 से क्या 0 0, तो ऐसी है 4 5 20, 60,000 आ जाएगा। तो मैं इसको इक्वेशन 3 ले लूँ, यहाँ पर 3 से क्या, तो 3 4 12x, 3 7 21y, यहाँ पर आ जाएगा 60,000। ये हो गई आपकी इक्वेशन 4, ठीक है। अब आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ 60 नहीं आएगा, क्योंकि आप 3 से इंटू कर रहे हो, 4 से इंटू नहीं कर रहे ना, तो यहाँ पर तो 45,000 आएगा। आप सॉल्व करो, 12x माइनस 20y बराबर में 60,000, उसी तरीके से 12x माइनस 21y बराबर में 45,000। साइन चेंज कर दिए मैंने, ये तो कट हो गया, यहाँ पर आपके पास बचा वाई, यहाँ पर आपके पास बचा 15,000, ठीक है। तो वाई आ गया आपके पास 15,000, वाई आपने क्या माना था, वाई आपके पास था एक्सपेंडिचर वाला, आपको क्या निकालना है, उनकी इनकम निकालनी है, दोनों की एनुअल इनकम कितनी है, तो 3x आपको चाहिए यहाँ पर। अब इसे किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है आपके पास, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15,000, तो 3x माइनस 5y की जगह 15,000 बराबर में आ जाएगा 15,000, तो ये आपके पास हो जाएगा 75,000,
15,000 प्लस 75,000, तो यहाँ आ जाएगा 90,000, तो एक्स कितना आ जाएगा 30,000। पर मुझे क्या निकालना था यहाँ पर, इनकी इनकम तो 3x और 4x है। फाइंड देयर एनुअल इनकम, तो देयर एनुअल इनकम्स आर 3x थी एक की, तो 3 इंटू में 30,000 मतलब 90,000 हो गई, रुपी का साइन लगा देना। एक की थी 4x, तो रुपी का साइन लगा के एक की हो गई 1,20,000। ये है उनकी एनुअल इनकम। तो यहाँ मेरे पास y का कोई यूज़ नहीं था, पर मुझे x निकालना था इसलिए पहले मैंने y निकाला। आप चाहो तो y के कोफिशेंट सेम करके उन्हें डायरेक्ट कट करके x भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे, अब सारे लेंदी लेंदी क्वेश्चंस रह गए हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन एक एक क्लास में कर लेंगे ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो समझने में और ईजिली स्टेप बाय स्टेप हम समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैप्टर इसी बुक के चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उन्हें भी कर सकते हैं। थैंक यू।